श्रुति की इस पिक्चर को देखकर लोगों ने कहा था कि क्या करवा लिया अपने फेस पर। श्रुति से लोग पूछ रहे थे क्या ये स्वोलन फेस है बोटॉक्स की वजह से। श्रुति सैनन ने अब दिया है करारा जवाब। ये कहावत सच है, जो दिखता है उसे ही लोग सच मानते हैं। और श्रुति सैनन के साथ हो गई है ऐसी ही एक बड़ी घटना। दरअसल हाल ही में श्रुति सैनन गई लाइव ऑन इंस्टाग्राम और हर कोई श्रुति को इस रूप में देखकर डर गया। कोई पूछ रहा था उन्होंने अपने फेस के साथ क्या करवा लिया, किसी को लग रहा था कहीं से बोटॉक्स के साइड इफेक्ट तो नहीं। और अब श्रुति ने इसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है। श्रुति ने पहले अपने वेकेशन की इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए ये प्रूव किया कि वो छुट्टी मनाने गई हैं, ना कि अपने फेस पर कुछ करवाने। और फिर उन्होंने ये पोस्ट डालकर लोगों को प्रूव किया कि कैसे उनका फेस किसी किसी सुबह पफी नहीं दिखता। शी रोट मी ऑन नॉट सो पफी मॉर्निंग। वेल, श्रुति के इस जवाब से साफ है कि उन्हें ये बात पिंच कर गई थी कि लोगों ने उन्हें लेकर इतनी सारी बातें बना दी हैं। और ये प्रूव करने के लिए कि उनके फेस को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इस पिक्चर को डाला है। अब आप बिफोर और आफ्टर के इस पिक्चर को देखिए और जरा सोचिए, श्रुति को 6 दिन क्यों लग गए इस क्लैरिफिकेशन को पोस्ट करने में। क्या श्रुति पहले अपने फेस के पफिनेस के कम होने का इंतजार कर रही थी? सवाल उठाने वाले तो इस टाइमलाइन पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन आपके वर्डिक सबसे ऊपर है। बताइए आपको क्या लगता है, श्रुति ने अपने फेस पर कुछ करवाया है या यूं ही लोग कर रहे हैं नॉनसेंस बातें?